Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays, I am discussing issues, various issues over primary education and mainly related to universalization of elementary education. In this section, I have discussed the last video on UEE, that is Government Effort for UEE. So, in this video, I have compiled all the government efforts for achieving the task of universalization of elementary education, and the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for you all. So do subscribe my channel. First of all, बहुत बात कर ली है हम लोगों ने UEE के बारे में. हम लोग जान गए हैं UEE क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री इसको कहते हैं, अपर प्राइमरी को कहते हैं. क्या कहा गया है इसमें, राइट टू एजुकेशन क्या है, डाइट का क्या रोल है, सर्व शिक्षा अभियान का क्या रोल है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट का क्या हिस्सा है, क्या भूमिका है प्राइमरी एजुकेशन में, बहुत कुछ, एवरीथिंग. बट इस बार इस लेक्चर में इन टोटैलिटी क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है UEE के लिए उसको कवर करने की कोशिश है, और ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है. तो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट ऑफ UEE, वेरियस कमीशंस एंड कमिटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, व्हिच डिटरमाइन द एजुकेशनल प्रायोरिटीज एंड अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट द पॉलिसीज. आपको पता होगा, पता हो गया होगा अब, कि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही कह दिया था आर्टिकल 45 में, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज. तो राज्य की को प्रयास करना चाहिए, ऐसा तो पहले से कहा गया है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है ये, था ये शुरू से. तो बहुत सारे कमीशन और कमिटीज इस पर काम करते रहे. व्हाइल सम ऑफ द कमिटीज कंसंट्रेटेड ऑन स्पेसिफिक एजुकेशन सेक्टर और स्पेसिफिक फोकस ग्रुप, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एजुकेशन वाज टेकन बाय द एजुकेशन कमीशन इन 1964. हम जानते हैं कि सबसे पहला जो कमीशन बना वो चूंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे फोकस था, दूसरा बना वो सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस था. एजुकेशन कमीशन, या जिसको आप कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, ये पहला ऐसा कमीशन था जिसने इन टोटैलिटी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया एजुकेशन का. ये किस में कल्मिनेट हुआ, विच कल्मिनेटेड इनटू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाली ज्यादा फेमस है, बट 1968 में भी एक पॉलिसी आई थी. इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड ब्रिंग नेशनल कॉन्शियसनेस फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन. हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन और सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हम NPE 1968 का कोटेशन कोट करते हैं. NPE 1968 ने कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की थी 1968 में, दैट वुड सर्व ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लिविंग इन ए कॉमन नेबरहुड. वो कह रहे हैं कि एक पड़ोस में रहने वाले सारे बच्चों को आप उसमें पढ़ाइए, मतलब किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सिख से मतलब नहीं है, उस पर आप उसको डिफ्रेंशिएट मत कीजिए. CSS implies that all the children should be entitled to comparable quality of schooling irrespective of socio-economic background. वो गरीब है, अमीर है, किसी भी वर्ग जाति का है, हर बच्चे को कॉमन स्कूल सिस्टम ने ऐसा कहा था कि कंपेरेबल क्वालिटी की स्कूलिंग मिलनी चाहिए. फिर NPE 1968 फिर रिटरेट कर रहा है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स. For improving the quality of education, it is recommended that school complexes need to be established. उसने कहा, किसने कहा? NPE 1968 ने कहा था कि education की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये आप school complexes बना लीजिए. Complex का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें ना. तो कह रहा है कि each upper primary school should be integrally related to 10 primary schools that exist in its neighborhood. कह रहा है कि जो एक अपर प्राइमरी स्कूल को आप 10 प्राइमरी स्कूल से जोड़ दीजिए और कॉम्प्लेक्स बना लीजिए. तो सब किसी की का संसाधन किसी और में भी यूज किया जा सकता है, किसी की स्पेशलिटी की कोई और भी यूसेज कर सकता है. तो ये बेहतर हो जाएगा अगर आप स्कूल कॉम्प्लेक्स बना लें. तो मतलब हम एजुकेशन कमीशन 1964, बल्कि उसके भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एजुकेशन कमीशन 1964, फिर आपका NPE 1968. फिर NPE 1968 और क्या कहता है, दी NPE 1968 ऑब्जर्व्स दैट स्ट्रेनस एफर्ट्स शुड बी मेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीकिंग टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14. है ना, क्योंकि तब तक तो आर्टिकल 45 ही था, उसी के तहत काम चल रहा था कि हमको ऐसा करना है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट का, स्टेट को ऐसा करना चाहिए. तो NPE 1968 ने कहा कि आप इसके लिए एफर्ट कीजिए.
Suitable programs should be developed to reduce the prevailing wastage and stagnation in schools and to ensure that every child who is enrolled in school successfully completes the prescribed course. इस कमीशन ने कहा कि आप उचित प्रोग्राम चलाइए ताकि आप वेस्टेज और स्टैग्नेशन को रोक सकें. अब वेस्टेज और स्टैग्नेशन को आपसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप पुराना पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप सुन लीजिए उसको. तो वेस्टेज और स्टैग्नेशन को रोकिए ताकि और ये इंश्योर कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि हर बच्चा जो विद्यालय में जिसका नामांकन होता है वो अपना कोर्स कम्प्लीट करे. ये 1968 में बात की जा रही है. क्या गवर्नमेंट ने एफर्ट किया, फिर 1986 की एनपीए आ गई कि बाय मिड 1980s इट वाज रियलाइज्ड दैट द डिजायर्ड प्रोग्रेस हैड नॉट बीन अचीव्ड इन एजुकेशन सेक्टर एंड द नीड वाज फेल्ट टू रिवाइटलाइज द एजुकेशन. देयरफॉर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड एंड अडॉप्टेड इन 1986 followed by another document known as Program of Action POA which focused on details of the implementation of this policy. इतनी बार आपने सुन लिया, I think अब तो रट गया होगा कि NPA 1986 में आई, इसका Program of Action बना. Program of Action क्या है कि हम ये देख सके, action का क्या मतलब होता है, काम मतलब policy तो कागज पे है, काम धरातल पे हो रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं. फॉलो अप के लिए पीओए भी बना. तो क्यों बनी 1986 की पॉलिसी, क्योंकि देखा गया 1968 में बात कर दी गई और 80 आ गया, अभी तक कुछ विशेष सुधार दिख नहीं रहा है, तो रीवाइटलाइज करने के लिए एजुकेशन सेक्टर को बनी. फिर the NPE and its program of action emphasized on decentralization of education by restructuring the planning and management of education. आप अब समझ गए होंगे क्यों decentralization इतना जरूरी है primary education में. इसलिए कि जब तक आप local body को, जब तक आप community को अगल बगल की आस पास की उसमें involve नहीं करेंगे, कभी भी आप UEE नहीं achieve कर सकते, primary education सबको नहीं दे सकते हैं. इसलिए हर policy कह रही है decentralization of education. It put a new thrust on elementary education, emphasizing on two aspects. Pehla hai universal enrollment and retention of children up to 14 years. Aur dusra hai substantial improvement in the quality of education. Isne do baaton par sabse zyada bal diya. Isne kaha ki pehle to sabka naamankan karo aur 14 varsh tak bacche ko roko college mein, retain karo. Aur dusra quality of education ko badhao. Ya aap keh sakte hain dono cheezein ek dusre se judi hui hain. Quality achhi hogi to bachcha apne aap retain hoga, drop out nahi banega. फिर आती है 1986 की पॉलिसी और क्या कहती है कि इट एम्फसाइजेस ऑन, ये तो हो गया यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सल रिटेंशन, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट भी हो गया, सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू प्रोवाइड एनएफई. देखिए एनएफई की बात इसके पहले नहीं हो रही थी, टू एजुकेट स्कूल ड्रॉप आउट्स, चिल्ड्रन फ्रॉम एरियाज विद स्कूल विदाउट स्कूल, वर्किंग चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू अटेंड द स्कूल ड्यूरिंग डे टाइम. आप समझ सकते हैं कि इस वक्त चूंकि शिक्षा कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए कानून के दायरे में आप हर बच्चे को विद्यालय नहीं ला सकते, आप सिर्फ उसको कह सकते हैं, आप अवेयर कर सकते हैं कि स्कूल जाइए या अभिभावकों से कह सकते हैं स्कूल भेजिए. तो क्या कहा गया, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर बनाओ, क्योंकि हर बच्चे को फॉर्मली आप एजुकेट कर नहीं पा रहे हो. तो जो ड्रॉप आउट हो गए हैं, जो बच्चे ऐसी जगहों पे हैं जहां विद्यालय नहीं है, बच्चे हैं जो कहीं काम करते हैं वो डे टाइम में स्कूल नहीं अटेंड कर सकते, उसके लिए एनपी ने कहा कि एक एनएफई हो जाए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो फॉर्मल से अलग हो और आप उसके तहत शिक्षा दे दीजिए, तो उसको सुधार लीजिए. फिर ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये बहुत पूछे जाने वाला सवाल है, अब तो पुराना हो गया, पहले बहुत ये पूछा जाता था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस कमीशन के रिकमेंडेशन से इम्प्लीमेंट किया गया. तो 1986 के रिकमेंडेशन से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, स्कीम टू प्रोवाइड एसेंशियल फैसिलिटीज इन द स्कूल, मतलब कम से कम मिनिमम एक प्राइमरी स्कूल में क्या होना चाहिए. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने बताया फीमेल टीचर होनी चाहिए, कम से कम ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, कुछ TLM होना चाहिए, मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटी ताकि वो विद्यालय लगे. DPEP आ रहा है, देखिए DPEP आपसे डिस्कस नहीं हुआ, आप कोठारी कमीशन के बारे में भी जानते थे, 1968 की पॉलिसी के बारे में भी जानते थे, 1986 POA एवरीथिंग, पर DPEP का जिक्र ऐसे ही हुआ है बस चलते फिरते. तो ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है. तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने DPEP को लॉन्च किया है, द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 स्ट्रेस नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट. पीओए ने देखा कि जो पिछड़े इलाके वहां तो शिक्षा की दशा और भी बेकार है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीपीईपी बनाया. कब बनाया, 1993 में. याद रखने के लिए आसान है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आई है और ये 1993 में बन रहा है, तो इसी का रिकमेंडेशन होगा, या प्रोग्राम ऑफ एक्शन का रिकमेंडेशन है तो 1992 के पहले का तो हो नहीं सकता. The program was initiated in 42 districts in 7 states. शुरुआत जब हुई तो 7 राज्यों के 42 district में ये शुरू किया गया. कौन से 7 राज्य, याद रख सके तो याद रखिए, नहीं तो तब भी चलेगा. असम, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु.
and the target for 1993 to 98 was to extend the DPP program to 110 districts and thereafter to almost the whole country. 93 में बना है, साथ ही राज्य से शुरू हुआ, फिर सोचा गया कि अगले 5 साल में हम इसको 110 जिलों तक ले जाएंगे, जो कि 42 जिले से शुरुआत है, और फिर ऑलमोस्ट होल कंट्री को इससे कवर कर लेंगे. इट इज एन एफर्ट टू डिसेंट्रलाइज एजुकेशनल प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, इट इज प्लान्ड इन सच अ वे दैट इट सूट्स द एजुकेशनल नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न. क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट ये तय करेगा कि प्राइमरी एजुकेशन का प्रोग्राम कैसे हो, क्या कमी है, कैसे सुधार सकते हैं, क्या दिक्कतें हैं, एवरीथिंग. The DPEP draws from the experience of other education intensive projects to promote local area intensive planning, people participation in education, and greater focus on educationally backward districts, particularly those where the level of female literacy is lower than the national average. देखिए, एवरेज में तो हमने सबका जोड़ के जितनी संख्या थी उससे भाग दे दिया, लेकिन कहीं वो ज्यादा होगी और कहीं वो उससे कम होगी, ये तो नॉर्मल मैथ्स है. तो वो कह रहे हैं कि उन राज्यों में, उन जिलों में जहाँ की फीमेल लिटरेसी का जो परसेंट है वो नेशनल एवरेज से भी कम है, वहां उन्होंने कहा कि वहां आप और स्पेशल एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रोग्राम चलाइए ताकि हम फीमेल लिटरेसी का रेट बढ़ा सके. तो आपको पता ही है, शुरुआत में ही लिख रहा है कि नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, इसलिए डीपीईपी लॉन्च किया गया है. फिर डीपीईपी ने और क्या कहा कि ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, बेसिकली कि टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कि हर बच्चे तक आप प्राइमरी एजुकेशन पहुंचा दीजिए. टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स टू लेस देन 10%, 10% से ज्यादा ड्रॉप आउट रेट था तब तो कहा गया कि ड्रॉप आउट रेट को हमको 10% से कम करना है. फिर कह रहे हैं टू इंक्रीज लर्निंग अचीवमेंट एट प्राइमरी लेवल बाई 25%, हम 25% कम से कम लर्निंग अचीवमेंट बढ़ाएंगे बच्चे का प्राइमरी लेवल पे. और टू रिड्यूस जेंडर गैप्स एंड डिफरेंसेस इन सोशल ग्रुप टू लेस देन 5%, 10-15-20-25% का अंतर आ रहा है जेंडर गैप में, सोशल ग्रुप में के डिफरेंस में पैरिटी नहीं है, डिसपैरिटी है. तो इसने कहा कि हम 5% से उसको कम लेके आएंगे, मतलब कि ठीक है अगर आप 15% कम से कम 10% तो रहे. तो इस उद्देश्य से डीपीईपी लॉन्च हुआ. अच्छा, इसमें मैं जानबूझ के एसएसए और नहीं और डाइट नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि एसएसए और डाइट हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं, इसलिए उसके अलावा जो गवर्नमेंट फंड से वो डिस्कस हो रहे हैं. फिर एनपीईजीईएल, वरना गवर्नमेंट रिपोर्ट में एसएसए आएगा. NPEGEL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल. ये कहाँ, क्यों, कब लॉन्च किया गया, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स. देखिए, माइक्रो प्लानिंग की गई ना, तो देखा गया कुछ जिले तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ राज्य तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर कुछ जगह है जो नेशनल एवरेज से भी कम है, पिछड़े इलाके हैं, वहाँ आप कह सकते हैं कि सोशली बैकवर्ड लोग ज्यादा रहते हैं. तो उन जगहों के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम बनाए गए ताकि उनको हम ऊपर लेकर आ सकें. इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स वेयर द परसेंटेज ऑफ इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स आर कंपैरेटिवली पुअर देन द नेशनल एवरेज एंड द जेंडर गैप इज मोर देन द नेशनल एवरेज. ना, तो अबाउट 3,286 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स covered under the scheme in 25 states. Obviously, पुराना data है, निश्चित रूप से ये अब ज़्यादा हो गया होगा. You can update this data. तो कह रहे हैं कि जो शिक्षा के रूप से पिछड़े इलाके हैं, वहाँ डीपीपी तो चलाया ही, जहाँ नेशनल एवरेज कम है, लड़कियों का और कम रहता है प्रतिशत, तो उन्होंने कहा कि आप एनपीजीईएल चला लीजिए उन राज्यों में, उन जिलों में जहाँ पे कि जेंडर गैप जो है नेशनल एवरेज से ज़्यादा है और जो सोशल गैप है वो भी ज़्यादा है, तो उसको इस कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए ये प्रोग्राम चलाते हैं. फिर MDM का नाम नहीं आया था अभी तक, मिड डे मील. द प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल्स, द प्रोग्राम प्रोवाइड्स ए मिड डे मील ऑफ 4450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन टू चिल्ड्रन इन द प्राइमरी स्टेज एंड लेटर इट इज एक्सटेंडेड टू द एलिमेंट्री लेवल. ड्यूरिंग 2009 टू 10 अबाउट 11 करोड़ चिल्ड्रन वर बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम. आप समझ सकते हैं कि आपको पता ही होगा दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे बृहद अपनी तरीके की स्कीम है ये. तो शुरुआत जब हुई थी तो कहा गया कि 450 कैलोरी हम देंगे, 12 ग्राम प्रोटीन देंगे हर बच्चे को प्राइमरी स्टेज पे, बाद में इसको एलिमेंट्री लेवल तक ले गए. बहुत इसमें धांधलियां हुई हैं, बहुत भ्रष्टाचार भी हुआ है, बहुत इसमें घोटाले भी हुए हैं, बट स्टिल इट इज़ ए वेरी, यू कैन से, गुड एंड ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू bring children to the school, because वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, वो इतने गरीब हैं कि उनको भोजन नहीं है पर्याप्त, तो वो स्कूल कैसे जाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद NFE, the revised POA envisages the introduction of a wide-reaching systematic non-formal education program as an integral component of the UEE. देखिए, इतना तो तहत निश्चित ही है ना कि सब कोई को आप विद्यालय आकर नहीं पढ़ा सकते हैं,
ये, और ये भी देखना होगा हमको कि क्योंकि शिक्षा कानूनी अधिकार नहीं था तब, इसलिए ये एनएफई का और ज्यादा रोल था। तो अब तो कानूनी अधिकार है, अब तो अभिभावक को भी भेजना जरूरी है, राज्य को भी ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को विद्यालय लाना है। तो उस वक्त एनएफई ज्यादा रेलिवेंट था। उसने कहा कि यूई का एक इंटीग्रल कॉम्पोनेंट बना लीजिए कि जो बच्चे विद्यालय आकर नहीं पढ़ सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन, उनको हम ऐसे पढ़ाएंगे। तो टारगेट ग्रुप फॉर एनएफई में था वर्किंग चिल्ड्रन जो नहीं आ सकते हैं, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम अदर डिसएडवांटेज्ड और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इन द 9 to 14 एज ग्रुप ऑफ whom NFE can offer flexibility in timing and place of learning। ठीक है, आप सवेरे नहीं आ सकते, हम आपको शाम को पढ़ा देंगे। कुछ ऐसे volunteers, कुछ NGOs, इस तरह के लोग होंगे, NFE को आगे चलाया। And learners are organized into small groups and the learning condensed to a 2-year period। 2 साल में हम आपको इतना सिखा देंगे कि आप साक्षर हो जाएं। ठीक है, I think completed, yes। तो constitution 1968 की पॉलिसी, 1986 की पॉलिसी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का, 1993 का डीपीपी, फिर आपका एनपीईजीईएल, फिर आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी था इसमें, लेकिन वो एसएसए में डिस्कस हो गया इसलिए मैंने यहाँ कवर नहीं किया है। एसएसए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, डायट्स और आपका एनएफई, इतना कुछ गवर्नमेंट ने किया है यूईई को अचीव करने के लिए। फिर अब तो आरटीई आ गया, आप चाहें तो उसको और लिख लीजिए, आरटीई लिख लीजिए, फिर अमेंडमेंट ऑफ एसएसए इन लाइट ऑफ आरटीई, मतलब बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी जो चीजें छूट गई थी वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो अब मैं कह सकती हूँ कि हम लोगों ने यूईई को इतना जान लिया है कि हम कह सकते हैं हम यूईई के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।